दोस्तों बिग बॉस 70 के विनर मुनव्वर फारूकी का नया वाला घर है। देख सकते हैं गाइस, मुनव्वर फारूकी जो ना अपनी फैमिली साथ में इसी घर में और रहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी आलीशान से ये घर है, मेन गेट यही है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बिग बॉस 70 के विनर मुनव्वर फारूकी का नया वाला घर। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में जो हम आपको पूरा एड्रेस के साथ में हम आपको बताने वाले हैं कि मुनव्वर फारूकी कहां पर रहते हैं, मुंबई में उनका घर कैसा है, उनका घर का नाम क्या है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में हम आपको जो ना डिटेल से बताने वाले हैं। तो गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम आपको सीधे लेके चलते हैं बिग बॉस 70 के विनर मुनव्वर फारूकी के नए वाले घर पे। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मोनोरेल आ रही है और इसी मोनोरेल से हम बैठ के जाने वाले हैं। देख सकते हैं गाइस, जब धीरे धीरे कदमों से आ रही है और देख सकते हैं गाइस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है मोनोरेल। और हम आपको बता दें ना, इस मोनोरेल पे जो ना हम आपको बता दें फर्स्ट टाइम पे बैठेंगे। और फाइनली गाइस आ चुकी है मोनोरेल और इसी से हम जाने वाले हैं मुनव्वर फारूकी जी के घर पे। और फाइनली गाइस देख सकते हैं हम बैठ चुके हैं मोनोरेल में और हम आपको ना थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाते हैं गाइस, कैसा दिख रहा है। देख सकते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और हम आपको सीधे लेके चलते हैं मुनव्वर भाई जी के घर पे। तो दोस्तों बाहर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहा है। और फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वडाला ब्रिज पे और यहीं से हम उतरेंगे और यहीं से हम जाने वाले हैं मुनव्वर भाई जी के घर पे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वडाला ब्रिज है और फाइनली गाइस अभी हम यहाँ से उतर रहे हैं और उतर चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मोनोरेल यहाँ से जा रही है और अभी हम भी यहाँ से सीधा चलेंगे मुनव्वर भाई जी के घर पे। देख सकते हैं मोनोरेल यहाँ पे जा चुकी है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं लिखा हुआ है वडाला ब्रिज और अभी हम जो ना इसी सीढ़ी से उतर रहे हैं और यहाँ से हम चलेंगे मुनव्वर भाई जी के घर पे। देख सकते हैं अभी हम उतर रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं फाइनली हम जो ना अभी हम आ चुके हैं बस स्टैंड। और यहाँ देख सकते हैं गाइस लिखा हुआ है वडाला रोड लिखा हुआ है। देख सकते हैं गाइस, थोड़ा मैं आपको जूम करके अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ, ये बस स्टैंड है। और गाइस ये देख सकते हैं बस, यही बस है और इसी बस से जो ना हम जाने वाले हैं मुनव्वर भाई जी के घर पे। फाइनली गाइस देख सकते हैं अभी हम बैठ चुके हैं और बस थोड़ी टाइम बस बस चालू होने वाली है। और हम देख सकते हैं टिकट निकाल रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं गाइस हम बैठे हुए हैं। और फाइनली गाइस हम देख सकते हैं बस चालू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मोनो रेल के लिए जो यहाँ देख सकते हैं ब्रिज बना हुआ है। और गाइस फाइनली जो है ना अभी हम पहुँचने वाले हैं बिग बॉस 70 के विनर मुनव्वर भाई जी के घर पे। और दोस्तों मैं आपको बता देना, इस घर का नाम है लोधा। और फाइनली जो है ना हम पहुँच चुके हैं मुनव्वर भाई जी के घर पे। देख सकते हैं मेन गेट यही है। इसी घर में जो ना मुनव्वर भाई अपनी फैमिली के साथ में वह रहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी आलीशान सा यह घर है। मुनव्वर भाई जो ना बिग बॉस 70 के विनर हो चुके हैं और मुनव्वर फारूकी जो अपनी फैमिली साथ में इसी घर में रहते हैं। इस घर का नाम है लोधा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेन गेट यही है और गेट नंबर 4 है। दोस्तों मैं आपको बता देना, यहां से पहले मुनव्वर फारूकी जो ना मुंबई के डोंगरी इलाके में रहते थे। बिग बॉस 70 के विनर मुनव्वर फारूकी जो है ना बोले थे कि जब भी हम ट्रॉफी जीतेंगे ना तो हम डोंगरी में जाएंगे। और वहाँ पे जो ना बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्राउड लगा हुआ था डोंगरी में। तो गाइस देख सकते हैं मुनव्वर फारूकी जो ना अभी यहाँ पे वो रहते हैं, डोंगरी में वो नहीं रहते हैं। उनका पुराना घर था जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाया था कि मुनव्वर फारूकी का घर यहीं पर रहते थे और उस घर को ना जो तोड़ दिया गया है, अभी वहाँ पर वो नहीं रहते हैं। अभी इस बंगले में वो शिफ्ट हो चुके हैं जो कि अपनी फैमिली साथ में इसी घर में वो रहते हैं। मेन गेट यही है गाइस, देख सकते हैं काफी आलीशान से यह घर है। मुनव्वर फारूकी एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर और रैपर हैं जो कि दाऊद यमराज और औरत डॉक्टर एवं इंजीनियर जैसे अपने कॉमेडियन वीडियो के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही वह 2022 में टीवी शो लॉक अप के विजेता भी रहे हैं। साथ ही 2023 में जो ना बिग बॉस में उनका भी चयन किया गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में 28 जनवरी 1992 को एक सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। मुनव्वर फारूकी के पिता एक ड्राइवर थे और उनके परिवार में उनकी माता के अलावा उनकी 3 बहनें, जिनमें एक का नाम शबाना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी का जीवन जो ना बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहा है। यहाँ पर आने के लिए उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम और संघर्ष किया है। मुनव्वर ने स्टैंड अप कॉमेडियन बनने से पहले एक बर्तन की दुकान में सेल्समैन का काम किया करते थे। वहाँ दिन में काम किया करते थे और रात को जो ना ग्राफिक और डिजाइनिंग कंप्यूटर क्लास सीखने के लिए जाया करते थे। और ऐसा करते करते उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया।
फिर उन्होंने एक अच्छी फॉर्म में ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी मिल गया था। मुनव्वर फारूकी मुंबई के एक बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिनकी ज़्यादातर कॉमेडी जो ना राजनीति और धर्म वगैरह से जुड़ी होती है। मुनव्वर को ज़्यादातर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए देखा गया है। मुनव्वर ने 2019 में अपना पहला एक घंटे का शो दो दहियो मलाड में प्रदर्शित किया गया था। मुनव्वर ने यूट्यूब पर 2020 में कॉमेडियन वीडियो अपलोड करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जल्द ही बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल कर ली। भारत में राजनीति टाइटल नाम में मुनव्वर ने 24 जनवरी 2020 को वीडियो अपलोड की थी और उसे वीडियो ने मुनव्वर को बहुत ही सफलता भी दिलाई। मुनव्वर ने 20 फरवरी 2020 को अपना पहला शो मुंबई में ओपन किया था। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी आलिशान से यह घर है। मुनव्वर फारूकी जो ना अपनी फैमिली साथ में इसी घर में वह रहते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया बिग बॉस 70 के विनर मुनव्वर फारूकी का नया वाला घर, जो कि इसी घर में अपनी फैमिली के साथ में वह रहते हैं। सो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर अगर आप हमारे नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी गाइस प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना सबसे पहले एक पास नोटिफिकेशन पहुँचे। सो गाइस आज के लिए ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।